जिस तरह से बात इन्होंने, ए के मिश्रा जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि अगर हम कैप्टन्स की अगर हम तुलना करें तो कैप्टन्स में भी एक बहुत बड़ा फर्क देखा जा सकता है, टीम के खिलाड़ियों में भी बहुत बड़ा फर्क देखा जा सकता है। ए के मिश्रा जी, एक बहुत ही जरूरी सवाल आया आपके लिए, क्योंकि आप एक अच्छे विश्लेषक भी हैं और आप चीजों को बहुत ही नपित हुए अंदाज में आप उसका विश्लेषण कर पाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर ए के मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, खेल पत्रकार हैं। ए के मिश्रा जी, क्या लगता है भारत की पाकिस्तान भारी आज कौन ज्यादा पड़ने वाला है? क्योंकि देखिए, पूरा देश तो अभी से मान चुका है कि आज जीत का सिक्सर लगने वाला है और पाकिस्तान को बहुत ही बुरी तरीके से आज कोहली एंड टीम धोने वाली है। देखिए, मैं आपको एक बता दूं, इतना तो सही है कि आज रात को पाकिस्तान में लाखों टेलीविजन फिर टूट जाएंगे, टेलीविजन की लाखों दुकानों में आग लग सकती है। समय का मतलब साफ है, अगर एपल टू एपल और टीम वर्सेस टीम का हम कंसीडर करें तो न्यूमेरिक डाटा में भी अगर देखें तो कहीं पे भी पाकिस्तान की टीम टिकती नहीं है। 1952 या 59 से जब ये पहली बेटी हुई है क्रिकेट की इनकी, अगर इसमें हम टेस्ट मैच का देखें तो टोटल 8 टेस्ट मैच हुए, एक ड्रॉ किया था, एक पाकिस्तान ने जीता था, बाकी इंडिया ने जीता था। तो पाकिस्तान का टेस्ट मैच में इसकी वनडे T20 की तो परफॉर्मेंस नहीं थी। T20 में पाकिस्तान की जो भी टीम हो, चाहे ये टीम हो या कोई और टीम ले आए, वो एकदम बच्चों की तरह T20 में ये कहीं नहीं टिक पाएंगे। अब कैप्टन टू कैप्टन जरा आप कंपेयर कर लीजिए, विराट कोहली और आपके फिर बाबर साहब निकले हुए हैं वो मैदान में, एक आप ये सोचिए खेल जिहाद करने के लिए निकले हुए हैं, आप इनके सारे एवरेज देख लीजिए, कितने रन खेले, एवरेज कितना रहा, कितना इसने बनाया। विराट कोहली की कहीं कोई कैंपिटर नहीं है बाबर साहब, जब नेतृत्व तो इतना स्ट्रॉन्ग हो तो वहां से विजन के बारे में कोई शक या कोई संकोच की गुंजाइश नहीं आ जाती। बस वेट बचिए, हमें पता ये है कि पाकिस्तान को आज रात को पाकिस्तान में कितने लाखों करोड़ टीवी और कितने का इकोनॉमिक नुकसान हुआ, इसके साइड इफेक्ट आप देखिएगा क्या होगा, न जाने कितने लोग वहां पे हाय तोबा हाय अल्लाह करेंगे। ये देखिएगा, वो मंजर बड़ा हसीन होगा जब टीवी की दुकानों में आग लगेगी। तो मतलब आपको ये लगता है कि नहीं, भारतीय टीम तो उसको धोने वाली ही है, लेकिन इसके साथ साथ आप, आपको एक किया, आप कैप्टन टू कैप्टन न्यूमेरिक कंपैरिजन कर लिए, कितने टेस्ट खेले हैं, कितने रन है, एक्सपीरियंस क्या है, एवरेज क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, आप न्यूमेरिक फिगर में कंपैरिजन करिए ना। मैं कोई इस तरीके से एक प्रवचन टाइप नहीं दे रहा हूँ, नहीं आपकी आपकी बात दरअसल उनकी बात से भी बिल्कुल मिलती हुई है, क्योंकि शोएब अख्तर ने भी अभी कुछ दिन पहले यही बात बोल दी थी कि अगर हम बात देखें टीमों के कंपेयर के हिसाब से तो शोएब अख्तर खुद ही मान के चल रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम बेहद कमजोर है। नहीं, वो शोएब अख्तर ने मुझे फोन करके पूछा था कि हम क्या बोले इस चीज पे, तो हमने बता दिया था एनालिसिस कैसे किया। जी ठीक है, अविनाश जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अविनाश जी, जिस तरह से बात इन्होंने, ए के मिश्रा जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि अगर हम कैप्टन्स की अगर हम तुलना करें तो कैप्टन्स में भी एक बहुत बड़ा फर्क देखा जा सकता है, टीम के खिलाड़ियों में भी बहुत बड़ा फर्क देखा जा सकता है। ए के मिश्रा जी, एक बहुत ही जरूरी सवाल आया आपके लिए, क्योंकि आप एक अच्छे विश्लेषक भी हैं और आप चीजों को बहुत ही नपित हुए अंदाज में आप उसका विश्लेषण कर पाते हैं। क्या इस क्रिकेट के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंधों में भी कोई अंतर आप देख पा रहे हैं क्या? नहीं, अंतर देखिए मैं आपको बताऊं, ये डिपेंड करेगा पाकिस्तान चाहे हारे या जीते, अंतर कोई बहुत पॉजिटिव होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का, अगर मान लीजिए चलिए हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हम एकदम से सरेंडर करते तभी उनका हृदय परिवर्तन होने वाला नहीं है। ये पाकिस्तान का और इंडिया का क्रिकेट मैच एक वॉर से कम नहीं होता है, और मैं बेबाक बोलूंगा कि पाकिस्तान जो युद्ध की नीति अपनाता है उनके लिए हर एक एक्ट इंडिया के साथ जो होता है उसी भावना से होता है। हम खेलते हैं खेल भावना के साथ, हम इंसानियत की भावना के साथ खेलते हैं। तो पाकिस्तान चाहे हारे या जीते, जो भी मैं बोलता हूँ, आप वहां देखिएगा कि उनकी फितरत में कोई चेंज नहीं आने वाला है। वो उल्टे सीधे बयानबाजी, उल्टे सीधे काम वो सारे करेंगे। पाकिस्तान से खेल के मैदान में भी इंसानियत की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसीलिए मैंने ये बोला कि थोड़ा आप इंतजार कीजिए, खेल में जब आपकी भावनाएं इंसानियत की भावनाएं नहीं होती हैं तो फिर वही होता है कि मैच के बाद टीवी टूटते हैं घरों के, टीवी की दुकानों में आग लगती है, लोग सुसाइड करते हैं, जो पाकिस्तान में होने वाला है। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इसमें हमारे रिश्ते सुधर जाएंगे। पिछली बार भी जब हम मैच खेल रहे थे उसके बाद कारगिल हो गया था, तो मैं तो ये बोलूंगा कि हमें अलर्ट रहना चाहिए, अब की बार कहीं दूसरा कुछ ये शुरू न कर दे। बदरुद्दीन जी, आप हल्के हल्के तब से मुस्कुराने लग गए हैं, कुछ आया क्या आपके दिमाग में? अच्छा बोल रहे हैं सर, मैं उनकी बातों से मुस्कुरा रहा हूँ कि बिल्कुल कारगिल हो गया था पिछली बार भी जब मैच आ रहे थे, तो और जाहिर सी बात है
कि वहां पे मैच हारने के बाद उनका रिएक्शन बड़ा खराब आता है। कुछ हैं और एके मिश्रा हमारे साथ खेल पत्रकार के तौर पर लगातार जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ एके मिश्रा जी भी हैं। एके जी, आपसे अब ये समझना बहुत जरूरी, क्योंकि देखिए अब जितने भी पैनलिस्ट हमारे साथ बैठे हैं सभी का संकेत एक ही तरफ है, जिस तरह की बात आप भी पहले बोल रहे थे कि आज टीम इंडिया पाकिस्तान को धोकर आने वाली है, पूरी तरह से जीतने वाले हम ही हैं, क्योंकि उनका चाहे बैटिंग ऑर्डर देखें, चाहे उनकी तैयारी देखें, चाहे उनके खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन पिछले मैचों में आपने जिस तरह से बताया था उसको देखें, इसके बाद से आपको क्या लगता है कि आज पूरे विश्व में किस तरह का माहौल होने वाला है और इंडिया को किस तरह की तैयारी अब रखनी चाहिए कि जैसे ही 7:30 बजेगा मैच शुरू होगा उसमें तैयारी क्या हो? तीन चीजें, स्पेशली अगर ये T20 है जहाँ पे कि पाकिस्तान की टीम इंडिया की टीम के सामने एकदम बच्चा है, एकदम लर्नर बिगनर की स्टेज में है, तो स्ट्रेटजी को टैक्टिकल वे में देख लिया जाए यहाँ पे इंडिया की टीम को कैसे मैनेज करना चाहिए। अगर यही मैच किसी यूरोपियन कंट्री में होता, ये हो रहा है गल्फ में, वहां पे जो ओवरऑल एम्बियंस होता है, जो क्राउड होती है, वो इंडियन टीम को उतना साइकोलॉजिकल फेवर नहीं कर पाती है, क्योंकि बहुत सारे इंडियन टीम के जो उनको फेवर करने वाले होते हैं, मोराल बूस्ट करने वाले होते हैं, या न्यूट्रल जो दर्शक होते हैं वो वहां अवेलेबल नहीं होंगे। वहां जो भी दर्शक होंगे वो कहीं ना कहीं से उनका एक कनेक्शन रहता है, सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान की तरफ रहेगा, चाहे रिलीजियस हो चाहे जो हो। T20 जब मैच होता है तो वो साइकोलॉजिकल मैच ज्यादा हो जाता है रेदर देन फिजिकल परफॉर्मेंस। टाइम बहुत कम होता है, बॉल्स बहुत कम होती है, और जब कम टाइम में आपको बहुत तेजी से डिलीवर और परफॉर्मेंस करना पड़ता है तो साइकोलॉजिकल प्रेशर एक ऑटोमेटिक होता है। तो इंडिया की टीम को पहले बॉलिंग करनी चाहिए, उसके पीछे रीजन है, क्षेत्र रक्षण या जो फील्डिंग होती है उसको मैं एक चक्रव्यूह रचना यानी स्क्वायर एड मानता हूं, मतलब स्पोर्ट में एक चक्रव्यूह की रचना। चक्रव्यूह की रचना अगर आपने फील्डिंग अच्छे से कर दी तो बड़ा सीधा सा मतलब है कि आपने अपने अपोजिशन को, राइवल को परफॉर्म करने से रोक दिया और वो साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये होगा कि दूसरे टीम को जो है परफॉर्म करने से रोका कैसे जाए, इसी हिसाब से सारी स्ट्रेटजी वहां पे बनाई जाए। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जहां पे ये ज्यादा मायने नहीं रखेगा टीम वगैरह का कंफ्यूजन, रणनीति ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर सही रणनीति से हम शुरू से ही उनके ऊपर प्रेशर बना के चले और उनको परफॉर्म करने से सीज अगर हमने कर दिया, देखिए पाकिस्तान की टीम की स्पेशली T20 में एक बहुत बड़ी कमजोरी है, मैं बता दूं, कम टाइम होने पे प्रेशर जब ज्यादा होता है तो ये बौखला जाते हैं, ये परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इस कमजोर चीज को स्पेशली T20 के मैच में भारत के कैप्टन को, भारत के प्लेयर्स को समझना चाहिए और इसका फायदा उठाना चाहिए। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पूरा मैनेजमेंट इस तरीके से किया जाए कि हमेशा अपोजिशन की टीम, राइवल की टीम प्रेशर में बने रहे। ऑलरेडी वो प्रेशर में है, उनके यहाँ से भी क्रिटिसिज्म आ गया है, लोग निराश हैं, लोग टीवियां तोड़ने के लिए तैयार हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी क्रिटिसिज्म आ गया है, तो इसका भी एक फायदा उठाना चाहिए। जो प्री परफॉर्मेंस जो एक प्रेशर बना हुआ है, इस चीज का भी फायदा उठा करके इतनी तेजी से इनको सीज कर दिया जाए। 20 ओवर सी तो है, क्षेत्र रक्षण करके फील्डिंग इतने स्ट्रांग तरीके से करिए कि उनको एक कदम बढ़ाना, एक बॉल पे एक रन बनाना भी अगर मुश्किल कर दिया जाए तो आधा युद्ध तो आप ऐसे ही जीत जाएंगे, आपकी टीम ऐसे ही जीत जाएगी। ये कुछ क्रिटिकल फैक्टर है रणनीति और मैनेजमेंट के हिसाब से, अगर ये चीजें की जाएंगी तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस फेवर में रहेगा। यहाँ पर एक सवाल आपसे ये भी कि अब दोनों देशों के अंदर का माहौल क्या रहने वाला है? देखिए बीच का माहौल तो हमको पता है कि दोनों देशों के बीच में एक दूसरे को पसंद कितना करते हैं ये तो पूरा अब विश्व जानता है, लेकिन अंदर क्या माहौल होने वाला है? आज भारत का माहौल कैसा देखने को मिलेगा शाम को और पाकिस्तान के अंदर माहौल कैसा रहेगा? देखिए मैं आपको बता दूं, मैं जहां बैठा हूं बहुत से लोगों ने पटाखे वगैरह रख लिए हैं, दिवाली का माहौल है, अब की बार दिवाली आज रात से शुरू हो जाएगी, मैं आपको बता दूं, और वहां पे माहौल मातम का होने वाला है। आपको मैं बता दूं, न जाने कितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फोन, ये सब चीजें वहां तो एकदम जलजला आएगा साहब, स्पोर्ट की दुनिया में वहां जलजला आएगा पाकिस्तान में। आप कवर करते रहिएगा, आप देखिएगा क्या होने वाला है। हम तो दिवाली मना रहे हैं, भारतीय लोग दिवाली मनाने की तैयारी करके बैठे हैं, फुलझड़ियां होंगी, उसके बाद पटाखे होंगे, अनार होंगे, ये सारी चीजें आज रात को भारत का आसमान जगमगाएगा, भारत की धरती जगमगाएगी, ये रिजल्ट है। और ये पाकिस्तानियों ने बोला है, ये हमने नहीं बोला है, हम उसको थोड़ा इजी वे में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, खुद उनके एक्स क्रिकेटर जो रहे हैं, जो दिग्गज रहे हैं, उन्होंने बोला है। एपल टू एपल कंपेरिजन कर लीजिए, कैप्टन टू कैप्टन की परफॉर्मेंस पास देख लीजिए,
पूरी हिस्ट्री देख लीजिए, T20 में इनका एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस देख लीजिए, थोड़ी बहुत जो स्ट्रेटजी मैंने अभी आपको बताई, स्ट्रेटजी को टैक्टिकल वे में पूरे जो है इसको जो है मैनेज कैसे करना है, अगर इस पे इंडियन टीम ने ध्यान दिया, उनके ऊपर प्रेशर बना के रखे रहे, ऑलरेडी प्रेशर बना हुआ है, उसी प्रेशर को मैदान में कॉन्टिन्यू कर देना है तो रिजल्ट वही होगा। बिल्कुल, एक सर जी अभी बीच में कुछ कहना चाहते हैं, उनके पास जाते हैं। मैनेजमेंट की बात की है, मैं समझता हूँ कि भारतीय कोच इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से हमारे खिलाड़ियों को ट्रेन करते हैं। प्रेशर मैनेजमेंट एक पॉजिटिव अप्रोच ऑलरेडी बना हुआ है, पास परफॉर्मेंस अच्छी है, तो हमारा जो हमारे खिलाड़ियों का जो मोराल है, उनके पीछे जो 120 करोड़ भारतीयों का जो बूस्ट, जो मोराल बूस्टिंग जो है साथ में है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इस चीज को जाके यहाँ पे इनको सिर्फ ये करना है, अगर फोकस ये कर दे कि अपोजिशन राइवल टीम को हम सीज कर दें, उसके लिए रास्ते बहुत कठिन कर दें, एक एक बॉल उनके लिए हम नो बॉल की तरह मतलब इस तरीके से कर दें कि वो परफॉर्म ही ना कर पाए, तो शुरू के 2-4 ओवर में भी अगर ये प्रेशर बन गया, 20 ओवर के एवरेज में अगर दो ओवर भी देखेंगे या 4 ओवर 5 ओवर भी देखेंगे, तो 25% तो जो है ऑलमोस्ट उनका मोरल वही में डाउन हो जाता है। तो ये कोई बहुत बड़ी टेक्निक नहीं है, भारतीय खिलाड़ी इसमें दक्ष है। अगर वो कोई लॉन्ग टर्म में चलने वाला मैच होता है, 1 दिन चल रहा है, 2 दिन चल रहा है, जी टेस्ट सीरीज चल रही है, वहाँ डिफरेंट, वहाँ रेस्ट लेने के लिए, री एनर्जाइज करने के लिए, री स्ट्रेटजाइज करने के लिए टाइम मिल जाता है, यहाँ नहीं मिलता है। और भारत की कोई भी टीम हो, चाहे सेना हो चाहे क्रिकेट की टीम हो, शॉर्ट टर्म में जहाँ पे बहुत तेजी से परफॉर्म करना होता है, यहाँ पे बहुत एक्सपर्टाइज है हमारे कैप्टन की, आप देखिए हमारे खिलाड़ियों की, देखिए हमारे खिलाड़ियों की, देखिए अगर शॉर्ट टर्म में अगर डिलीवरी करना हो, बहुत फास्ट डिलीवरी करना हो रिजल्ट की, तो उनकी एक्सपर्टाइज इस चीज में है। तो मैं समझता हूँ बहुत सारी चीजें हमारे फेवर में है। और एक चीज और बता दूं, तो जो लेटेंट फैक्टर है, हिडन फैक्टर है, जिसको किसी ने नहीं बोला, पाकिस्तानी टीम को ये हमेशा पता रहता है कि अगर वो हार गए तो अपने देश वो वापस लौटने में उनकी हालत खराब हो जाती है, तो ये भी एक प्रेशर उनके ऊपर बना रहता है। तो इस प्रेशर का भी हमें फायदा उठाना चाहिए, सोशल मीडिया इन सब तरीकों से हमें ये बोलना चाहिए कि भाई अब तुम अपने देश वापस जाओगे या मुंह लेकर के जाओगे, तो ये सारी प्रैक्टिस ऐसी होती है जो पब्लिक और टीम को मिलकर के करना चाहिए। तो इन सब प्रैक्टिस से जो है ग्राउंड पे बहुत अच्छा प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है, और साइकोलॉजिकल प्रेशर बना करके लगभग 25% तक का अगर देखा जाए तो उनकी परफॉर्मेंस को सीज किया जा सकता है, कमजोर किया जा सकता है राइवल पार्टी की, राइवल टीम की परफॉर्मेंस को। ये मेरी स्टडी नहीं है, ये जो एक्सपर्ट है कि साइकोलॉजिकल प्रेशर और मोरल वगैरह का क्या असर पड़ता है स्पोर्ट में, ये मैं उनकी चीजें मैं बता रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमारे कैप्टन और खिलाड़ियों को, टीम प्लेयर्स को इस चीज का भी यूज बखूबी करना चाहिए। बिल्कुल, एके मिश्रा जी आप देखिए, अगर बैटिंग ऑर्डर की आप बात करें ना, तो T20 के लिए अगर बात किया जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि जो नए खिलाड़ी होते हैं उनको बैटिंग के लिए पहले भेजना चाहिए, उसके पीछे भी एक लॉजिक है। देखिए नए खिलाड़ियों के अंदर अच्छा परफॉर्म करने का जज्बा ज्यादा होता है, उसमें ये भी क्लिक हो सकता है कि कोई नया खिलाड़ी बहुत अच्छी बैटिंग कर जाए, और रही बात अगर वो फेल हो जाता है, तो जो प्रूवन बैट्समैन है जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर भी उठा लेते हैं, क्योंकि वो मैच्योर ज्यादा है। शुरू में अगर परफॉर्मेंस नए बैट्समैन की कम हुई, तो बाद में जो वेल ट्रेंड वेल प्रूवन बैट्समैन है जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, वो मैच्योर रहते हैं, तो वो उस लैग को, उस कमी के प्रेशर को भी एडिशनल प्रेशर ले करके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मैं उम्मीद ये करता हूँ, ये मेरा एक सजेशन है कि पहले जो नए लोग आए हैं, क्योंकि वो ज्यादा यंग होते हैं और उनके अंदर कुछ जज्बा डेफिनेटली ज्यादा होता है, क्योंकि उनके कैरियर से ये जुड़ा रहता है, तो वो बेहतर परफॉर्म करने के लिए ज्यादा कोशिश करते हैं। तो ऐसे बैट्समैन को पहले जो है मौका दिया जाना चाहिए जो नए हैं, इन कैंपिजन ऑफ जो प्रूवन है। प्रूवन हमारे लिए रिजर्व स्टॉक होते हैं, ब्रह्मास्त्र होते हैं, वो किसी भी पल जो प्रूवन बैट्समैन है, वो किसी भी पल जो है मैच की सिचुएशन को बदल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ बैटिंग ऑर्डर में अगर ये चीजें की जाए, तो इसकी भी बेनिफिट जो है टीम को मिल सकती है। बिल्कुल, एडवाइस मांगा जाए तो वो ये है कि T20 मैच जो होता है वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर गेम होता है, और स्पेशली साइकोलॉजिकल प्रेशर गेम। तो जो बातें हमने पहले की, टीम इंडिया को बहुत जबरदस्त साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करके रखना चाहिए, एडवांटेज लेना चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो टीम इंडिया को करनी चाहिए कि सीज द परफॉर्मेंस ऑफ राइवल टीम।
आप ज्यादा बेटर परफॉर्म करें या ना करें वो डिफरेंट चीज है। रन बहुत ज्यादा बनाए, 20 ओवर में आप कितने ज्यादा रन बना लेंगे आप मुझे ये बताइए। तो वहां पे जो अपोजिशन है, जो राइवल टीम है, उसकी परफॉर्मेंस को सीज करके उसको एकदम लिमिटेड कर दीजिए। और मैं समझता हूँ भारतीय टीम इसलिए एक्सपर्ट है और ये आप अभी दिखना शुरू हो जाएगा, जैसे ही मैच शुरू होगा आप देखेंगे कि ये चीजें आ रही है। वैसे भी मैंने पहले बोला कि टी ट्वेंटी में पाकिस्तान की जो करेंट टीम है वो कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं है हमारी टीम के अगेंस्ट। तो ये सारी कमजोरी, जो साइकोलॉजिकल प्रेशर एक दो मैंने बात की है पाकिस्तान की टीम के ऊपर ऑलरेडी बना हुआ है, मैदान में उतरने के पहले उन लोगों के चेहरे पे, उन लोगों के माथे पे पसीना आ रहा है, तो क्यों ना इन चीजों पे इनकैश किया जाए, ये बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर जिस तरह से आपने एक बहुत जरूरी बात बोली, और अगर हम साइकोलॉजिकल स्थिति की बात करें तो जिस तरह से आपने बोला कि हमारी टीम का मोरल बहुत ज्यादा हाई है, जबकि पाकिस्तान की बात करें तो वहां के बड़े बड़े दिग्गज क्रिकेटर खुद ये बोल रहे हैं कि हमारी टीम कमजोर है, और ये मैसेज निश्चित रूप से अगर शोएब अख्तर की तरफ से आएगा तो ये मैसेज तो जो यंगस्टर्स हैं, जो अभी आज खेलने वाले हैं पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटर, उन तक भी पहुंचा होगा कि उनको पहले से कमजोर बता दिया गया। शाहिद अफरीदी तक का उन्होंने बिल्कुल सीधा नाम ले दिया कि इन धीमे और तेज खेलने वालों ने पूरी टीम को बर्बाद कर दिया। तो आज मोराल के हिसाब से भी आप कहां पाते हैं टीम इंडिया को और पाकिस्तान की टीम को? देखिए मोराल तो ये भी एक न्यूमेरिक कैलकुलेशन है, टीम इंडिया के साथ 120 करोड़ भारतीयों का मोराल जुड़ा हुआ है, वहां 20 करोड़ पाकिस्तानियों का मोराल कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है सर मोराल में। पास्ट परफॉर्मेंस देखिए, मोराल जिस चीज पे बूस्ट होता है, कॉन्फिडेंस जिस चीज पे बिल्ड होता है, वो टीम के स्ट्रक्चर को देखिए, उसके बाद आप ये देखिए पास्ट परफॉर्मेंस देखिए, इंडिविजुअल प्लेयर की एज ए टीम आप देखिए, टी ट्वेंटी मैच के हिसाब से आप न्यूमेरिक कैलकुलेशन करिए, तो वहां पे कहीं भी जो है पाकिस्तान की टीम को हमारे सामने, चाहे उनका मोराल हो, चाहे परफॉर्मेंस हो, चाहे पास रिकॉर्ड रहे हो, वो कहीं पे नहीं टिकते हैं। तो मोराल में भी वो, मैंने आपको बोला पाकिस्तान की टीम ऑलरेडी उनके माथे से पसीने छूट रहे हैं, मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ। आप उनके जिस केबिन में, जिस रूम में वो बैठ के अभी चर्चा कर रहे होंगे क्या करें, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे इस प्रॉब्लम से, इस समस्या से निपटेंगे। वो तो ये सोच रहे हैं ये क्रिकेट खेल करके यहाँ पे हमें बलि का बकरा बना दिया, हम वापस कैसे जाएंगे, जाएंगे तो लोग अंडे फेंकेंगे हमारे ऊपर, वो इसी की प्लानिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर जिस तरह से आप विश्लेषण कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप जिस तरह से मान के चल रहे हैं, वही आज पूरा देश भी मान के बैठा हुआ है कि